तो जब भी आप बर्न हाउस पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे, और आप पे पुश आता है, तभी आपको सिंपली है ना, देखो आपको लग रहा है कि आप पे पुश आने वाला है, ठीक है, और सभी लोग, दो तीन लोग ऊपर चढ़ने वाले, तभी आपको सिंपली विंडो की तरफ आ जाना है और यहाँ पे केबिन के ऊपर आ जाना है इस तरीके से, और डायरेक्टली भाई बॉर्डर्स के ऊपर रहना है। इसमें फायदा क्या पता है, ना ही आप ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे, ना ही फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, आप एकदम बीचों बीच रहोगे, लेकिन घर के बाहर भी रहोगे, लेकिन घर के अंदर भी नहीं रहोगे। अभी आप बोल रहे क्या चल रहा है यहाँ पे, गाइस कोई आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सब लोग घर के अंदर ढूंढेंगे, घर के बाहर ढूंढेंगे, लेकिन कोई कोई यहाँ पे नहीं देखता पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पे रह के आप इजीली दो तीन लोग को मार सकते हो, उसके बाद पुश कर सकते हो एकदम खुला। गाइस तो ये एक आईक्यू वाली ट्रिक है, अभी आप पुश करने जा रहे हो बर्न हाउस पे, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं कि ऊपर कितने लोग हो सकते, 1 2 3 4, ठीक है, कितने लोग है आपको कोई आइडिया नहीं, तभी आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है ये वाले रूम में। अब यहाँ पे बेड के ऊपर आपको चढ़ जाना है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हो कि बेड के ऊपर चढ़ने से क्या होगा, मैं बताता हूँ। आप जंप लोगे ना तो आपको ऊपर के लोग दिखेंगे, जैसा आप देख सकते हो ऊपर के लोग दिखाई दे रहे हैं कितने लोग हैं, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर कुछ लोग कैंपिंग करते हैं बर्न हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सीढ़ियों के सामने ही बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से आप बेड के ऊपर चढ़ के भाई उनकी लोकेशन का पता लगा सकते हो। What is up guys? तो मेरा नाम है भूष्टमाई। सो गाइस आज के ये वाले वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बर्न हाउस पे रह के अच्छे खासे किल्स कैसे निकाल सकते हो, साथ ही साथ में अगर आपको बर्न हाउस पे पुश मारना है और आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप बिना सीढ़ियों के भी जा सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे कैसे, वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना गाइस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हो। और अगर आप बर्न हाउस पे हो और आप पे पुश आते पूरी की पूरी स्क्वाड का, दो तीन एनिमीज आने वाले आप पे पुश करने वाले, तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हो अकेले और साथ ही साथ में किल्स भी निकाल सकते हो सोलो वर्सेस स्क्वाड में एकदम इजीली बर्न हाउस पे रह के कैसे, सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना मैंने आपके लिए आज रिकॉर्ड करके रखी है और मैं अच्छे से समझाने वाला कि आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, ये वाली ट्रिक है ना सिर्फ डाशिया पे काम करती है। आपको आपकी डाशिया ना इस तरीके से लगानी है दरवाजे के सामने, ठीक है। तो जैसे आप दरवाजे के सामने इस तरीके से डाशिया लगा दे तो आपको उसके बोनेट के ऊपर चढ़ जाना है, फिर यहाँ से आपको जंप मारना है सीधा दरवाजे के ऊपर, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लाइम कर लेते हो, अभी आपको वापस जंप मारना है तो आप इसके ऊपर आ जाओगे रूफ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ से बॉर्डर्स पे चलना है, ठीक है। तो टेंशन मत दीजिए, आपके फुट्स आ रहे होंगे उन लोगों को, लेकिन उन लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई बंदा ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, वो खिड़की पे थोड़ी पीक लेके रहेगी, ठीक है, और आप खिड़की से घुस के सीधा दोनों को मार सकते हो एकदम इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुश कर सकते हो डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे। ये एक और आईक्यू वाली ट्रिक है, सेम चीज आपको करनी है। देखो अभी ऊपर कितने लोग हैं आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अभी आप ये बेड के ऊपर चढ़ोगे जैसा मैंने आपको पिछली वाली ट्रिक में बताया था, तो यहाँ पे एक और आईक्यू वाली ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बेड के ऊपर चढ़ के ना मैं क्या करूंगा, देखूंगा ऊपर कितने लोग है, तो अंधा पुश नहीं करूंगा, अभी मेरे पास एक नेड है तो मैं क्या करूंगा ऊपर पोजीशन देख लूंगा कि हाँ बंदा कहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, मुझे पोजीशन पता चल गई कि बंदा वहां पे लेटा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, बाहर निकलूंगा, पहले नेड करूंगा, उसके बाद पुश करूंगा ताकि थोड़ा बहुत डैमेज हो ऑलरेडी पहले से एनिमीज को, और नेड को कुक करना मत भूलिएगा, अच्छे से कुक कीजिए उसके बाद फेंकिए फिर पुश कीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। देखो एक नॉकआउट हो गया। देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी वाली जगह पे एग्जैक्टली नेट करना है ताकि भाई बंदे मर सके, वो एरिया के पूरे बंदे क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे वो बंदा कैंपिंग कर रहा है, अभी मैं आपसे बाहर निकलूंगा और यहाँ पे देखो आपको एग्जैक्टली है ना ये जो दिख रहा है ये वाली चीज जहाँ पे मैं एम कर रहा हूँ ना, आपको ये वाली जगह पे एग्जैक्टली नेट करना है, ठीक है, ये वाली जगह पे, ठीक है, ये वाली टाइल्स पे एग्जैक्टली वहाँ पे अगर आप नेट करोगे ना कुक, हाँ ऐसा नहीं कि भाई आपने डायरेक्ट नेट किया फेंक दिया तो उन लोग तो भाग जाएंगे, कुक करके आपको एग्जैक्टली वो वाली जगह पे एम रख के वो वाली जगह पे फेंकना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि देखो इतना कुक करना है और वो बाउंस होगा, वहां से नीचे गिरेगा और वहां पे जो बंदे रहेगा ना भाई वो मर जाएंगे, तो वो एक्चुअली में पूरा बहुत अच्छा एरिया कवर होता है स्टेयर्स के यहाँ पे, तो वहां पे आपको नेट करना है, तो आपको पोजीशंस पता रहे नीचे, लाइनअप पता रहे नीचे नेट्स के, ताकि भाई आप फटाफट वो एरिया क्लियर कर सको जब आपके टीममेट्स पुश करते होते। तो ये लाइनअप्स होते हैं गाइस, ये सारे घर के लाइनअप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि वहां पे नेट करोगे तो वो उतना एरिया अच्छा खासा क्लियर कर देगा आपका नेट, और वहाँ पे बच्चे सारे जितने भी कैंप करोगे सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है, दो तीन जितने भी लोग होंगे। तो ये देखो ये पूरा एरिया कवर करता है मेरा एक नेट, जहाँ पे ये लाइनअप बोलते हैं गाइस, इसको लाइनअप बना उसमें कौन से लाइनअप्स पे अगर आप नेट फेंकोगे तो उसका कितना डैमेज होगा, कितना एरिया होगा, तो ये सबसे बेस्ट लाइनअप है बर्न हाउस पे ये वाले तरीके से नेट करने का। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, साथ ही साथ में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी ये पांचों में से, और प्लीज गाइस ये वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे फेसबुक फ्रेंड्स को भी पता चले कि भाई मेरा भी फेसबुक पे पेज है भूष्टमाइंस करके, और वो भी मुझे लाइक और फॉलो कर सके, और साथ ही साथ में आप भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो प्लीज वो आइकन दिख रहा है ना बीएम का, वो आइकन पे क्लिक कीजिए, फॉलो और लाइक कर दीजिए ये पेज को ताकि आपको मेरे नए नए अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं कल नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।